वेलकम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या हुआ करती है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनेंगे। सोलेनोइड जो हुआ करती है वो डिपेंड करा करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट अगर किसी वायर से पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि हमें और स्टेट ने साइंटिस्ट ने बताया था और स्टेट साइंटिस्ट ने बताया था कि किसी वायर के आसपास अगर आप करंट उसमें जा रहा है तो उसके आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाया करता है करंट की वजह से। ओके, सोलेनोइड क्या होती है, आप किसी वायर को ऐसा आप लपेट दें, बहुत सारे टर्न आसपास लपेट दें तो एक कॉइल बनती है, उसे बोला करते हैं सोलेनोइड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, एक आपको वायर जो लपेटना है वो इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, मीन्स बाहर से प्लास्टिक हो, उसके बाहर से कवरिंग हो, वो सोलेनोइड हुआ करती है। काफ़ी किताबों में जो सोलेनोइड है वो इस तरीके से दिखाई हुई होती है। ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, अभी तो ठीक लग रहा है, जब हम करंट फ्लो करेंगे इसमें तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि करंट आखिरकार जा कहाँ से रहा है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ करता है, वो काफ़ी मतलब हमको परेशान हैरान करने वाली बातें होती हैं। तो ये बड़ा मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है ये, तो इसीलिए मैं आपको जो सोलेनोइड बनाने सिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग तरीके से है, उसको बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे। ओके, अब देखेंगे सोलेनोइड होती क्या है। जब आप किसी कॉपर के वायर को, जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको पास पास रैप करते हो, लपेटते हो सिलेंडर की फॉर्म में, एक सिलेंडर लीजिए उसको लपेट दीजिए। अब देखेंगे ध्यान से, मैंने वायर अगर ऐसे लपेटा है, आगे से जा रहा है फिर ये पीछे गया, पीछे से फिर नीचे से निकलेगा, ऐसे लपेट तो जा रहा हूँ तो ये वायर नीचे से निकलेगा, यूँ मैं ऐसे दिखा फिलहाल ऊपर से रहा हूँ, वो आपको भी समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पास पास इनको लपेटना है, मैं काफ़ी दूर दूर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर ये मसला है क्या। ओके, अब आपने जो भी वायर ऐसे लपेटा है, आगे से पीछे को लपेटा है, यूँ फिर ये नीचे से आया फिर पीछे गया है, तो जो नीचे से निकलेगा वो पीछे की तरफ से निकलेगा, वो आगे से नहीं निकलेगा। सोच के देखें, आगे से तो आपने ये लपेटाई है, जब वो उधर से निकलेगा तो पीछे से निकलेगा, तो आपको थोड़ा सा ये यहाँ से निकालना है, समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ से लाऊं तो वो नहीं, वो तो पीछे जाना चाहिए, थोड़ा सा आगे से निकालेंगे। ये एक सोलेनोइड बन गया। क्या इंसुलेटेड कॉपर वायर को इंसुलेटेड क्यों बोला मैंने, बाहर से कवरिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, करंट इसमें आपस में मतलब वायर में जाएगा, नंगे वायर रहेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्योंकि वो कंडक्शन कर देगा इस लोहे की रॉड पे जो हम रॉड डाली हुई है। दूसरी बात, इंसुलेटेड कॉपर वायर को आप पास पास लपेटें, क्लोजली पैक्ड इस सिलेंडर को बनाएंगे, किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में बनाएंगे, सिलेंड्रिकल शेप में बनाएंगे, इस कॉइल को बोला करते हैं सोलेनोइड। अब एक बात, सोलेनोइड और लूप में थोड़ा सा फर्क है, अगर मैं ध्यान से देखूं, एक ये मैंने बनाया, एक मैंने बनाया ये, इन दोनों में अगर पूछूं कौन सा लूप है, दोनों लूप है, मैं पूछूं सोलेनोइड कौन सी है, भैया सोलेनोइड ये है। सोलेनोइड वो होती है जिसकी लेंथ उसके डायमीटर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, और लूप हम उसे कहेंगे जिसमें जो लेंथ होती है वो डायमीटर के मुकाबले कम हो। ओके, चलिए खैर, अब इस सोलेनोइड में करंट फ्लो करता है तो क्या ये काम करती है। अब देखिए, करंट फ्लो करने के लिए मैं यहाँ पर इस वायर में बैटरी लगाऊंगा, सपोज करिए मैंने बैटरी का पॉजिटिव जो दिया है ये साइड दिया है, अगर ये साइड इसका पॉजिटिव है तो ये करंट यहाँ से निकालेगा, करंट ऐसे गया, अब देखिए करंट कहाँ से गया, वायर मैंने ऐसे लपेटा है यूं, तो करंट आगे से गया पीछे को ऐसे, फिर ये निकला, फिर ऐसे निकल रहा है, तो करंट आगे से पीछे हो गया। इस वाले वायर में कहाँ को आएगा भैया, नेगेटिव वाला टर्मिनल है तो ये ऐसे नेगेटिव की तरफ आएगा, आगे से पीछे गया, यानी ये जाएगा ये जाएगा, सब आगे से पीछे वाले वायर है। आप ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ जो वायर है उसमें की तरफ तो करंट नीचे आएगा, इन सब में जो करंट जाएगा वो ऊपर की ओर जाएगा। करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब बात यह है मैग्नेट की तरह काम कैसे करेगा, आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे जिस तरफ से आप सोलेनोइड के बेस को देखेंगे, सर्कल को देखेंगे, सर्कुलर बेस को देखेंगे,
आपने ध्यान रखना है कि उस तरफ करंट आपका क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये सिलेंडर है, इसमें जो करंट जा रहा है आगे से पीछे की ओर जा रहा है। आपने अपना राइट हैंड यूज करना है, आगे से पीछे करंट जा रहा है तो आप देखेंगे जो आपकी उंगलियां घूमी है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है ना, ऐसे। और अगर इसी हाथ को कोई जो इधर से देखेगा व्यक्ति, इधर से जो कोई देखेगा उसी हाथ को, तो उसे कैसा दिखेगा भैया ये दिखेगा उसे, देखे ध्यान से, क्लॉकवाइज घूमती हुई उधर से। और कोई इधर से देखेगा उंगलियां ऐसे जा रही है करंट, क्योंकि करंट की तरफ को उंगलियां घुमानी है, तो उसे दिखेगा, इधर वाले को तो दिखेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। इधर से कोई व्यक्ति देख रहा है उसे कैसा दिखेगा, उसे दिखेगा क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन। ओके, अब बात ये है, आप लोग याद रखेंगे, जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा करंट, एंटी, तो उस तरफ उसका बन रहा है आपकी मैग्नेट का नॉर्थ पोल। सीधी सी बात है, जहां एंटी बन जाएगा वहां नॉर्थ, जहां क्लॉकवाइज बचा तो वहां क्या बनेगा भैया मेरे, साउथ पोल। जो रूल कहता है वही कहता है, आप अपने हाथ को घुमाएं करंट डायरेक्शन में तो अंगूठा जो देता है नॉर्थ पोल देता है, वही बात आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, जो क्लॉकवाइज बचा वो साउथ पोल देगा। देखने की बात है अब किस तरफ से इसको देख रहे हैं। ओके, अब जब इधर नॉर्थ पोल बन रहा है तो इसका मतलब ये जो हुआ करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से बाहर निकालेगा इस तरीके से, और ये साउथ पोल है इसमें आएंगी, नॉर्थ से निकलो एन फॉर निकलो तो नॉर्थ में से निकल लेंगी, साउथ की ओर को जाएंगी ये इस तरीके से। अंदर की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो अंदर की तरफ मेरे को एक, इसमें यहाँ रखने वाली बात है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि ये सभी जो लाइन्स आती हैं वो पैरेलल होती हैं। अंदर जो रीजन है सेंट्रल कोर में, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना करता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना करता है, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेरिजन करता हूँ इस बार मैग्नेट से, तो मुझे याद है कि बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, तो उसमें भी कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही मिलती थी। सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता था अप्रोक्सीमेटली, ये देखेंगे ध्यान से, और अंदर साउथ से नॉर्थ चला करती थी, वही सेम कुछ इसमें है। तो कई बार एग्जाम में दोनों बार में क्वेश्चन आता है कि सोलेनोइड किसी तरह बिहेव करती है, कंडक्टिंग सोलेनोइड किस तरह बिहेव करती है, आंसर है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और सोचिए अगर ये करंट इसमें फ्लो कर रही है, बार मैग्नेट आयरन की नेट को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है अट्रैक्ट कर रही है, आप करंट को बंद कर दो, जैसे ही आप इसमें करंट को बंद करेंगे, जैसे ही इसमें करंट बंद होगा तो करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ वो जो की इसमें अट्रैक्ट हुई थी वो नीचे गिर जाएंगी। तो क्वेश्चन, सोलेनोइड एक टेम्पररी मैग्नेट है कि परमानेंट मैग्नेट है, तो आंसर है ये टेम्पररी मैग्नेट है, क्योंकि ये सिर्फ तभी तभी काम करती है जितनी देर इसमें करंट फ्लो करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करती है। ये ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। इसको अगर आप बनाना चाहें, सपोज करिए ये आपने सोलेनोइड ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, अगर आपने वायर आपके पास पीछे से लपेटा है, वायर के पीछे से लपेट रहे तो वो ऐसे आएगा और इस तरफ से नीचे गिर जाएगा, इधर से लपेटा है ना पीछे से। अब डिपेंड करता है आप बैटरी किधर लगा रहे हो, किधर भी लगा लो मर्जी आपकी, सपोज करो पॉजिटिव आपने इधर दिया आपने नेगेटिव, तो करंट ऐसे जाएगा, जब करंट यहाँ गया तो यूं निकलेगा बाहर को, और इस वाले इसमें से ऐसे बाहर आएगा, तो सब में ऐसे करके बाहर आ गया। ओके, अब अगर इसको कोई व्यक्ति देखता है इधर साइड से, करंट अब की बार बाहर आ रहा है, मींस राइट हैंड लगाओ, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर। जो उधर से देखेगा उसको उधर अंगूठा दिख रहा है, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज आ गया, इधर से जो देख रहा है उसको क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर बनेगा साउथ पोल, इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन कुछ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, अंदर की तरफ डॉटेड दिखाएंगे, बस बन गया, ये आपकी सोलेनोइड है। ध्यान ये रखना है, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, बाकी क्लॉकवाइज तो आपका साउथ पोल। तो ये है सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप कॉइल विच इज ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली पैक्ड, एंड दिस करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव एज टेम्पररी मैग्नेट, एंड जिस तरफ करंट डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका नॉर्थ पोल बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है।
और बाकी डायरेक्शन पे आप ध्यान रखना, आप वायर के लपेटने की डायरेक्शन नहीं देखेंगे, आप देखेंगे करंट कैसे जा रहा है। करंट अगर मैं यहाँ बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव करता हूँ, इसे नेगेटिव करता हूँ, जब मैं ये पॉजिटिव करूँगा तो करंट यहाँ से निकलेगा तो पीछे की ओर जा रहा है, और जब करंट पीछे की ओर राइट हैंड लगाओगे तो इस तरीके से इधर बन जाएगा वो साउथ पोल जहाँ नॉर्थ पोल था, तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अगर आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हो तो मैग्नेटिक पोल्स की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, सबको ध्यान रखना है। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, सिर्फ करंट करंट सोलेनोइड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सोलेनोइड के बारे में कुछ बातें थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।